अब इसके बाद ये एक सूरत जो आ रही है इसके बारे में आमतौर पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि यह सूरह जो है ये मदनिया है, लेकिन यह कि ये अक्सर सूरतों के बारे में ये जो आखिरी है, हर कुरान मजीद में कोई ना कोई एक राय तो लिखी है, लेकिन जब तफसील देखते हैं तो बहुत सी आरा है इसमें, ये कोई एक राय नहीं होती। मैंने जब तहकीक की है तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के कौल के मुताबिक ये सूरत भी मक्की है, मदनी नहीं है। सूरतुल बय्यना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लम यकुलिल लजीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफकीन हत्ता तातियहुमुल बय्यना, नहीं थे वो लोग जिन्होंने कुफर किया था अहले किताब में से और मुशरिकीन में से कि उन्हें अलहदा कर दिया जाता या बाज आ जाते, हत्ता तातियहुमुल बय्यना, जब तक कि उनके पास बय्यना ना आ जाती है। जाहिर बात है कि वह गुमराही में मुबतला थे, कोई बय्यन चीज आए, कोई वाज़ह चीज आए जिससे कि उनको महसूस हो जाए, शऊर हो जाए कि हम गुमराही पर हैं, और या इसका मफहूम यह है कि जब तक बय्यन उनके ऊपर बात ना आ जाए उस वक्त तक उन्हें काटा नहीं जा सकता, उन्हें अपने से अलहदा नहीं किया जा सकता। मुनफक जो है ये दोनों तरीके से मान देगा। अब काबिल गौर क्या बात है, वो बय्यना क्या है, रसूल मिन अल्लाह यतलू सुहुफम मुतहरतन फीहा कुतुबुन कय्यिमा, एक रसूल अल्लाह की जानिब से जो तिलावत करते हैं पाकीजा औराक की, और वो फीहा उन औराक में क्या है, बड़ी मजबूत किताबें लिखी हुई हैं, आहकाम है अल्लाह के। किताब का लफ्ज खासतौर पर मैं बताता आया हूं आपको कि यह आहकाम शरीयत के लिए आता है। फीहा कुतुबुन कय्यिमा, यह है वो चीज कि जब अल्लाह का रसूल अल्लाह की किताब लेकर आ जाए तो यह बय्यना अब हो गई, अब बात वाजे हो गई, अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही। यही सूरह तलाक में हमने पढ़ा था जिक्रा कद अंजलना इलैकुम जिक्रा रसूल यकलू अलैकुम आयाती ही, तो ये जो है रसूल जब तिलावत करता है, गोया कि रसूल और किताब मिलकर बय्यना बने, अल्लाह की किताब उसका मुअल्लिम रसूल मिलकर बय्यना बने। इस एतबार से बय्यना और जिक्रा की जो ताबीर हुई है और उसकी डेफिनेशन जो हुई है सूरह बय्यना में और सूरह तलाक में वो बहुत अहम है। अब फरमाया वमा तफर्रकल लजीना उतुल किताबा इल्ला मिन बाद मा जातहुमुल बय्यना, ये जिन लोगों को किताब दी गई थी इन्होंने जो पहले भी तफरका किया है आपस में, ये जो बट गए, ये कोई नसारा बन गए कोई यहूदी बन गए, फिर नसारा में ना मालूम कितने फिरके हुए और यहूदियों में कितने फिरके हुए, ये सारा तफरका हुआ कब, इल्ला मिन बाद मा जातहुमुल बय्यना, मगर ये कि उनके पास बय्यना आ चुकी थी, गोया कि उसके अब जुर्म के वो पूरे तौर पर उसकी सजा के सजावार हो चुके। वमा उमिरू, ये आयत इस बात से बहुत अहम है कि दीन का फिर वही खुलासा जो हमने पढ़ा था बहुत ही शब्दोबद के साथ सूरह जुमर में, वो फिर आ गया। वमा उमिरू इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा, और उन्हें हुक्म नहीं हुआ था मगर इस बात का कि बंदगी करें परस्तिश करें अल्लाह की, लेकिन उसके लिए अपनी इताअत को खालिश करते हुए, यह नहीं कि नमाज तो अल्लाह की पढ़ रहे हैं लेकिन यह कि और काम अपने नफ्स की मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, वहां अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया है, कारोबार जो कर रहे हैं वो और तरीकों से कर रहे हैं जो हराम है, तो यह तो फिर बंदगी ना हुई, ये तो वो बात हो गई। अफतो मिनूना बेबाजी किताबें व तकफरूना बेबाज, क्या तुम हमारी किताब और शरीयत के एक हिस्से को मानते हो और एक को रद्द कर देते हो। फमा जजाओ मन यफल ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयात दुनिया, तो जो कोई भी तुम में से यह रवैया इख्तियार करेगा उसकी कोई सजा इसके सिवा नहीं है कि दुनिया में जलीलो खार कर दिए जाए। वह यौमल क़यामत युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन बदतरीन अज़ाब में झोंक दिए जाए। तो दुनिया की रुसवाई तो आज हमारे माथे पर लिखी हुई है, डेढ़ अरब इंसान, सवा अरब तो कम से कम है, 120 130 करोड़ से कम नहीं आज मुसलमान, इज्जत नाम की कोई शय नहीं, आलमी मामलात में वी हैव नो से। कसनवी पुरसत के भैया किस थी, हमारी पॉलिसियां कहीं और बनती हैं, कहीं और से हमारे बजट के लिए इंस्ट्रक्शन कहीं और से आती हैं, और तो और बात है। तो वमा उमिरू इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा यकसू होकर, पूरी जिंदगी अल्लाह के कानून के तहत होगी तो फिर इबादत कबूल होगी, वरना यह जो है कि कुछ अल्लाह को दो और कुछ कैसर वाला कैसर को दो, खुदा वाला खुदा को दो, ये इस्लाम में कोई काबिल कबूल नहीं। अब उसके बाद फरमाए वह युकीम सलात वयूतु ज़कात, इसके अलावा वो नमाज कायम करें ज़कात अदा करें, बंदगी और शय हो गई, नमाज और ज़कात अलहदा शय हो गई, बंदगी तो इताअत है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, उस बंदगी के हकों के तकाजों को पूरा करने के लिए नमाज दी गई आपको, ताकि आप याद तो करते रहे अल्लाह को, याद तो करते रहे, ताकि वो जो अहद किया अय्या का नाबुदो वैया का नस्ताइन दिन में 5 मरतबा तावा हो जाए। इसको हफीज ने कहा है, सरकशी ने कर दिए धुंधले नकूशे बंदगी, आओ सजदे में गिरे लौहे जबी ताजा करें,
ये जो है इसके ऊपर धुंधले हो गए हैं नकूश बंदगी। नमाज पढ़ो ताकि बंदगी का नक्श फिर और चमक उठे। इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, कितनी मरतबा दोहराओगे सूरह फातिहा को हर नमाज में तो तुम अपने अहद को ताजा कर रहे हो। और ज़कात दो। वज़ालिका दीनुल क़य्यमा, यही है सीधा दीन, हमेशा का दीन। इनमें लदीन कफरू बिन अहल किताब वल मुशरिकीन, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर की रविश इख्तियार की, खावो अहल किताब में से थे यहूद और नसारा, वल मुशरिकीन खावो मुशरिकीन में से थे। फी नार जहन्नम खालिदीन फीहा, वो होंगे जहन्नम की आग में, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। उलाएक हुम शर्रुल बरिया, ये यकीनन बदतरीन खलाइक है। इन्नल लजीन आमनू वअमिलुस सालिहात, इसके बरक्स वो लोग जो ईमान लाए जिन्होंने नेक अमल किए, उलाएक हुम खैरुल बरिया, ये बेहतरीन खलाइक है। अल्लाहुम्म रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, उनका बदला होगा उनके रब के पास वो बागात, रहने वाले बागात, रेजिडेंशियल गार्डन्स, जिनके दामन में नदियां बहती होंगी और जिसमें वो रहेंगे हमेशा 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 हमेशा। ये मकाम और एक सूरह तगाबुन जो हमने पढ़ी थी, उस वक्त मैंने वो बात का तस्करा नहीं किया था। दो मकामात कुरान मजीद के ऐसे हैं जहां जो साइमल्टेनियस कंट्रास्ट है वो ये है कि जहन्नम के लिए सिर्फ खालिदीन फीहा आया है और जन्नत के लिए खालिदीन फीहा अबदा, तो यकीनन कोई ना कोई फर्क है। वैसे जहन्नम के लिए भी कुरान में दूसरे मकामात पर अबदा भी आया है और फिर सारा कुछ, लेकिन जहां कंट्रास्ट आ जाए जो फौरी हो, तो ये जो साइमल्टेनियस कंट्रास्ट के हवाले से, चुनाचे इसी बुनियाद पर उम्मत के दो बड़ी अजीम शख्सियतों की राय यह है कि जहन्नम अबदी नहीं है, एक वक्त में आके खोखली हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। या तो वो जहन्नमी वो होंगे कि जिनमें खैर का सिरे से कोई एलिमेंट ही नहीं, उन्हें जलाकर राख कर दिया जाएगा, मादूम हो जाएगा, जैसे हैवानात मादूम हो जाएंगे। और अगर कोई खैर का एलिमेंट है तो जैसे भट्टी में चढ़ाकर धोकर कपड़ा निकाल लिया जाता है, ऐसे ही वो उनकी रूह जो है वो निकाल ली जाएगी और वो फिर जन्नत में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये आम अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है, ये नोट कर लीजिए, कहीं आप मेरे खिलाफ कोई फतवे ना आप करवा दें। लेकिन ये है कि दो अफराद हैं जो बहुत अजीम हैं। एक तो ये कि जो यूं समझिए कि शेख अकबर कहलाते हैं, सूफिया में बहुत चोटी की शख्सियत, मोहियुद्दीन इब्न अरबी। दूसरे वो शख्स के जो हर एतबार से मोहियुद्दीन इब्न अरबी से बहुत शदीद इख्तलाफ करते हैं, बहुत शदीद इख्तलाफ, इमाम इब्न तैमिया। और जो यूं समझिए कि सलफी जो मसलक जो लोग भी हैं दुनिया में, उनके नजदीक सबसे बड़े इमाम जो है, सबसे बड़े आलिम वो इमाम इब्न तैमिया है रहमतुल्लाह अलैह, उनकी राय भी यही है। तो दो अजीम अशखास का इस पर मुत्तफिक हो जाना, मुत्तफक गर्दीद राय बू अली बाराय मन, तो ये वह यकीनन जो है इस काबिल था कि मैं आपको इसका तस्करा बता जिक्र बता दूं। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, ये लोग जो हैं वो लोग के इन्नल लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहात उलाएकहुम खैरुल बरिया जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया और वो उससे राजी हो जाएंगे। जब जाएंगे वहां तो अल्लाह ताला वो कुछ देगा कि राजी हो जाएंगे। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये उनके लिए है जो अपने रब से डरते रहे। अल्लाहुम्म रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्म रब्बना जअलना मिनहुम। بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم।